फ्रेंड्स, आज ये वीडियो उन सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए जो ट्वेल्थ क्लास करके कॉलेज में पहुंच चुके हैं। कुछ आईआईटी के कॉलेज मिले होंगे, किसी को यूनिवर्सिटी मिली होगी, किसी को कुछ प्राइवेट कॉलेज मिले होंगे। फाइनली सभी स्टूडेंट कॉलेज में पहुंच चुके होंगे और कोई ना कोई कोर्सेज ज्वाइन किया होगा और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होती है कि यार नया माहौल मिलेगा, नए फ्रेंड बनेंगे और कैसा होगा, बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। कुछ स्टूडेंट कॉलेज का हॉस्टल ले लेंगे, कोई बाहर रहेंगे, ये सब करके स्टार्टिंग होती है और अपनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कुछ फ्रेंड बनते हैं, कुछ से लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब चलता रहेगा। लेकिन जब ट्वेल्थ के बाद एक स्टूडेंट कॉलेज में पहुंचता है तो उसके बाद उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसके लिए उसको या तो सीनियर उसको सजेस्ट करें, लेकिन आजकल रैगिंग के चक्कर में सीनियर से ज़्यादा बात नहीं हो पाती जितनी पहले होती थी, क्योंकि अब रैगिंग हर जगह बंद हो चुकी है तो सीनियर से उतना कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है डायरेक्टली स्टूडेंट का। तो उनको कई बार प्रॉब्लम भी होती है कि उनके फ्यूचर में कैसे क्या करना है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े उसके लिए ये वीडियो है। एक तो हमें सबसे पहले एक आदत सुधारनी पड़ेगी कि स्कूल में जो मार्क्स का गेम चलता है कि 90%, 95%, 99%, ये अलग करना पड़ेगा। देखिए, ट्वेल्थ तक ठीक है कि आपको कॉलेज मिलता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है ट्वेल्थ पर, तो मार्क्स की वेटेज होती है। लेकिन अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में अगर आप 80% तक भी लाते हैं तब भी वो बहुत सफिशियंट होता है। मोस्टली कंपनी जो आती है बाद में वो 60% तक लेती हैं, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ 80%। तो आप इस तरह की पागलपन ना दिखाएं कि 90% 95% के चक्कर में ही लगे पड़े हैं। मार्क्स से ज़्यादा आप अगर स्किल पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप यानी कि कोई कोर्स करने जा रहे हैं, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो आप ये देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ मिलेगी। अगर आप सपोज करो BBA करते हैं या कोई MBA करता है, तो ये देखिए कि मार्केटिंग फील्ड में आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर आप करेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखेंगे, तो आप ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। अब थियोरेटिकल में आप ये अच्छे नंबर लाने से कुछ नहीं होने वाला। इवन मैंने कॉलेज में ऐसा भी देखा है कि जो स्टूडेंट 60% लाता है और वो एंजॉय भी करता है कॉलेज में, और लोग सोचते हैं अरे ये तो सब ऐसे ही हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बाद में जब प्लेसमेंट होता है तो उन्हीं का प्लेसमेंट हो जाता है, बाकी सब रह जाते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, एक छोटे गाँव से एक बच्चा आता है, उसको पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या उसके साथ होने वाला है। तो अगर वो सारी चीज़ें देख के चलेगा, उसको एक्सपीरियंस होगा सीनियर्स के साथ, तो वो चीज़ों को समझ पाएगा कि एक्चुअल में उसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, तभी वो लाइफ में ग्रोथ कर पाएगा और उसका प्लेसमेंट है फ्यूचर में वो भी अच्छा होगा। यानी कि कॉलेज में जब आप एंटर करते हैं तो पहले तो आपने अच्छे से फ्रेंड बनाइए, दूसरा मार्क्स के पीछे पागल मत होइए, थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए, थर्ड स्टेप है कि आप टीचर से अच्छा कॉन्टेक्ट बना के रखिए, क्योंकि इंटरनल मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, खुद के एग्जाम होते हैं, तो जो इंटरनल टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उन पर काफ़ी डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें, क्योंकि जब एक्सटर्नल वाइवा लेने भी आएगा तब भी वो प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो इंटरनल टीचर पे ही डिपेंडेंट करते हैं। और जैसे एक EPTU यूनिवर्सिटी, हालांकि उसका नाम अब AKTU हो गया है, उसमें जो कॉलेजेस हैं तो उनमें इंटरनल मार्क्स होते हैं, अगर वो इंटरनल मार्क्स से भी आपकी परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, कुछ स्टूडेंट कई बार डाउन भी हो जाती है, तो बहुत मैटर करता है। तो आप टीचर से पंगा ना लें, अच्छे से पढ़ाई करें और इंटरनल पे भी ध्यान दें। और आप जिस भी स्ट्रीम से कॉलेज में पहुंचे हैं तो उस पे देखें कि प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिल सकती है, उस पे ज़्यादा फोकस करें। तो इस वीडियो में आपको मैंने यही बताया कि आप पहले कॉलेज जाएं, अच्छे फ्रेंड बनाएं और वहाँ पे ट्राई करें कि नंबर से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करें। बाकी और आपको किस तरीके से कॉलेज में रहना है, किस तरीके से काम करना है, वो मैं उस पे और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग फेज में आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स से मिलता रहता हूँ, बात होती रहती है, तो मुझे पता है सारी चीज़ों के बारे में और खुद भी मैंने फेस किया है। तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये वीडियो बनाया, और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो भी आप वो कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। अगर बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, बाकी अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।